गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन ज्योग्राफी में सेक्शन ए में जो टॉपिक है मानव भूगोल के सिद्धांत, उसके बारे में बात कर रहे थे। और आज हम मानव भूगोल के तीसरे सिद्धांत यानी कि वातावरण समायोजन का सिद्धांत, जिसे क्षेत्रीय विभेदीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, के बारे में बात करेंगे। इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट और प्रिंसिपल ऑफ एरियल डिफ्रेंसिएशन भी कहा जाता है। तो मानव भूगोल जो है इसमें केंद्रीय स्थिति मानव की होती है, ये हमें पता है, ठीक है। तो मानव भूगोल में मानव को केंद्रीय स्थिति में ही मानकर धरातल की जो परिवर्तनशील स्वरूप होता है उसका अध्ययन और उसकी व्याख्या की जाती है। प्राकृतिक वातावरण के तत्वों जैसे कि भूमि की बनावट कैसी है, जलवायु के कारक आदि, और मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के तत्व जैसे कि उसकी वेशभूषा कैसी है, उसका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि, जो मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। यानी कि प्राकृतिक वातावरण के जो विभिन्न तत्व होते हैं वो मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों को प्रभावित करते हैं, उसकी विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण के तत्वों से प्रभावित होने के साथ साथ मनुष्य जो है वो अपनी बुद्धि, अपने कौशल, तकनीकी ज्ञान के आधार पर भी विभिन्न कारकों से अनुकूलन और कठिन परिस्थितियों को जीवन निर्वाह के अनुसार रूपांतरित करने की भी कोशिश करता है। यानी कि मनुष्य वातावरण से प्रभावित होने के साथ साथ उसको प्रभावित भी करता है। तो इस अनुकूलन और रूपांतरण की प्रक्रिया को ही वातावरण समायोजन कहा जाता है, ठीक है। तो विभिन्न प्रदेशों के वातावरण के द्वारा वहां पर जो सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, उनके अंदर वहां के जो निवासी होते हैं, वहां रहने वाला जो मानव वर्ग होता है, वो अपनी आवश्यकताओं, अपनी क्षमताओं, अपने चयन की शक्ति, अपनी रुचियों के अनुसार मौजूद वातावरण के साथ वो समायोजन करता है, और मतलब समायोजन करके वो उन प्रदेशों के का क्षेत्र संगठन करता है। सामान्यतः मानव ये चाहता है कि प्राकृतिक परिस्थितियां जो है वो उसके अनुसार हो जाए, किंतु जब ऐसा नहीं हो पाता है तो मनुष्य स्वयं ही अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है, ठीक है। तो भूतल के एक स्थान का पर्यावरण जो है वो दूसरे स्थानों के पर्यावरण से कई प्रकार से भिन्न होता है, अतः विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों का सांस्कृतिक भूदृश्य भी प्राय एक समान नहीं होता, क्योंकि हर प्रदेश का जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो अलग अलग होता है। तो वहां पर जो सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण होता है वो भी अलग अलग देखने को मिलता है। इसीलिए मानव भूगोल के तथ्यों के विश्लेषण में क्षेत्रीय विभेदीकरण का सिद्धांत जो है इसका मौलिक महत्व है। अतः क्षेत्रीय विभेदीकरण का स्पष्टीकरण करना ही मानव भूगोल के अध्ययन का मौलिक उद्देश्य होता है। क्षेत्रीय विभेदीकरण का वास्तविक अर्थ केवल क्षेत्र में अंतर होना ही नहीं है, बल्कि क्षेत्रों की विविधता भी है, ठीक है। और ये जो क्षेत्रीय विभेदीकरण है ये समस्त भौगोलिक अध्ययनों का आधार है, और ये भौतिक साथ ही मानव भूगोल दोनों में समान रूप से होता है। जर्मन भूगोलवेत्ता हुए हैं हेटनर, उन्होंने सबसे पहले 1898 में अपने लेख में क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना को स्पष्ट रूप से समझाया, और उन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान की संज्ञा दी, उन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान कहा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रीय विविधता या क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलती है, ये विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब हम इनमें एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्राकृतिक विविधता की बात करें तो पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग भागों में हमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही तथ्यों की विविधता मिलती है। भौतिक तत्व जैसे कि जलवायु के तत्व, ठीक है, तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि, उच्चावच, वनस्पति, जीव जंतु, जलाशय आदि के वितरण में विभिन्न क्षेत्रों में विषमता देखने को मिलती है। तो धरातल पर कहीं पर पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं झील, कहीं महासागर, तो कहीं पर गहरी खाइयां हैं। ये इनके विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। जल और स्थल,
का जो वितरण है अगर हम वो देखें तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जलवायु के तत्वों में विविधता, विभिन्न स्थानों और प्रदेशों की जलवायु, अक्षांशीय स्थिति, सागर से दूरी, ऊंचाई, सूर्य तप का वितरण, जल स्थल का वितरण आदि के प्रभाव से अधिक भिन्नतापूर्ण होता है। तो दोनों गोलार्धों में हमें जल और स्थल के वितरण में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। भूतल का जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय भाग है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पास, इक्वेटर के पास जो भाग है, वहां पर हमें उष्ण और नम जलवायु देखने को मिलती है। जबकि अगर हम ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाएं, यानी कि ध्रुवों के पास 90 डिग्री अक्षांशों के पास जाएं, चाहे उत्तरी चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहां पर तापमान अत्यधिक निम्न होता है और हिमाच्छादित टुंड्रा जलवायु हमें देखने को मिलती है, यानी कि वहां पर हमेशा बर्फ जमी हुई मिलती है। वनस्पति का निर्धारण जो है वो भी जलवायु और मिट्टी द्वारा होता है। वनस्पति में भी इसलिए विविधता देखने को मिलती है। अगर हम उष्ण नम जलवायु की बात करें, भूमध्य रेखीय भागों की बात करें, तो वहां पे ऊंचे ऊंचे सघन वृक्ष देखने को मिलते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों की ऊंचाई क्यों अधिक हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर लगातार मतलब रोज वर्षा होती है, उसके वजह से जंगल जो होते हैं वो बहुत घने होते हैं, ठीक है। तो वृक्ष जो होते हैं उनमें सूर्य तप को मतलब प्राप्त करने के लिए उनमें होड़ लगती है, वो और अधिक ऊंचे होते जाते हैं, और ऊंचाई में ऊपर जाके क्या होता है उनमें मतलब कैनोपी टाइप यानी कि छत्तानुमा उनकी आकृति हो जाती है। जो पत्ते होते हैं वो आपस में मतलब उनकी शाखाएं आपस में मिली हुई सी रहती है, ठीक है। जबकि अगर हम मध्यम वर्षा वाले भागों में देखें तो वहां पर सवाना यानी कि मोटी घास व बिखरे हुए वृक्ष देखने को मिलते हैं। अगर हम रेगिस्तानी भाग की बात करें या अर्ध शुष्क भागों की बात करें तो वहां पर हमें कंटीली झाड़ियां, नागफनी आदि जो वृक्ष जो कि मतलब सूखे को सहन कर सकते हैं या जिनको बहुत ही नामात्र कम पानी की आवश्यकता होती है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम शीतोष्ण कम वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे हमें छोटी घासें देखने को मिलती है, जबकि अपेक्षाकृत नम क्षेत्रों में हमें टेगा वन मिलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो इस प्रकार अगर हम वनस्पति भी देखें तो वो भी जलवायु से प्रभावित होती है, मिट्टी से प्रभावित होती है, इसीलिए विभिन्न भागों में हमें वनस्पति में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। ये तो बात हुई प्राकृतिक विविधता की। अब अगर हम सांस्कृतिक विविधता की बात करें या जिसे हम मानवीय विविधता भी कह सकते हैं, तो सांस्कृतिक तथ्य अपने भौतिक पर्यावरण और मनुष्य के बीच अंतरक्रिया के परिणाम होते हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जो भौतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है और मनुष्य, दोनों में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। इसीलिए सांस्कृतिक तत्वों में भी क्षेत्रीय विभिन्नता देख मिलना मतलब स्वाभाविक है। सांस्कृतिक वातावरण जो है ये मनुष्य के द्वारा निर्मित किया हुआ भूदृश्य होता है, जिसमें कि मानवीय निवास ग्रह, आवागमन के साधन, सिंचाई के साधन, परिवहन, संचार के साधन, आर्थिक व्यवसाय, श्रम विभाजन, खेत, कारखाने, बैंक, बीमा संस्थान, विभिन्न व्यापारिक संस्थान, साहित्यिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, राजनीतिक संस्थाएं आदि शामिल होती है, ठीक है। इसके अलावा जो सामाजिक व्यवस्था है, श्रम विभाजन किस प्रकार का है, जीवन के मान आदि भी इसमें शामिल होते हैं। तो मानव निवास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां जहां पर मिलती है वहां पर जनसंख्या का अधिक जमाव देखने को मिलेगा हमें, है ना। और जबकि मतलब मनुष्य के निवास के लिए जो अनुपयुक्त भाग है, जैसे कि टुंड्रा क्षेत्र, मरुस्थल, उच्च पर्वतीय, दलदली, जंगल वाले भाग जो है, वहां पर हमें जनसंख्या कम देखने को मिलेगी, कुछ क्षेत्र जनविहीन भी हो सकते हैं। तो मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कहीं पर तो वो आखिर द्वारा मांस प्राप्त करता है, तो कहीं पर वो कृषि द्वारा अन्न और फसलें मतलब फल उगाता है। जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके वस्त्र जो होते हैं वो भी हमें अलग मिलते हैं। रेगिस्तानी भागों में या गर्म भागों में लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, जबकि ठंडे भागों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं या खाल निर्मित समूलधारी वस्त्र पहनते हैं। और घरों में भी हमें विविधता देखने को मिलती है। कहीं पर तो उसके छप्पर वाली झोपड़ियां होंगी, खपरेल के घर होंगे, तो कहीं पर कंक्रीट वाले मकान देखने को मिलते हैं। जहां पर लगातार हिमपात होता है वहां पर, या जो वर्षा वाले भाग होते हैं वहां पर हमें उनके मकानों की छतें ढालू दिखती है, ताकि उसके ऊपर बर्फ या पानी जो है वो ठहरे ना, बह जाए। जबकि जहां पर वर्षा या हिमपात नहीं होते या वर्षा कम होती है वहां पर जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं।
तो इस प्रकार मनुष्य का जो सांस्कृतिक वातावरण है उसमें भी हमें विविधता देखने को मिलती है। अब अगर हम भूतल पर क्षेत्रीय विविधता होते हुए भी कुछ क्षेत्रीय प्रतिरूपों में समानता भी देखने को मिलती है, जिसके आधार पर प्रदेश विशेष की पहचान की जाती है, जैसे ये प्रदेश कृषि प्रदेश है या औद्योगिक प्रदेश है या सांस्कृतिक प्रदेश है। ठीक है, ये तो बात हुई कि विविधता, प्राकृतिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता की। अब मनुष्य जो है वो वातावरण समायोजन करता है। अगर हम उसको देखें तो क्षेत्रीय विविधताओं और विषमताओं के कारण एक क्षेत्र के मनुष्य जब दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो धीरे धीरे वहां के वातावरण के अनुसार वो स्वयं को बदलने की कोशिश करते हैं। यही वातावरण समायोजन का सिद्धांत है। ठीक है, तो वातावरण समायोजन ये तो मनुष्य दो क्रियाओं का अनुसरण करता है, या तो अनुकूलन करता है या दूसरा वो रूपांतरण या परिवर्तन करता है। ठीक है, तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो इसमें देखो वातावरण समायोजन जो है उसमें या तो अनुकूलन यानी कि एडजस्टमेंट करता है या वो परिवर्तन करता है, मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, या अनुकूलन का मतलब है किसी भी जीव का अपने वातावरण के अनुकूल अनुसार ढल जाना। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन का मतलब है किसी भी वातावरण में को अपने अनुकूल परिवर्तित कर लेना। तो अनुकूलन भी दो प्रकार के हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अनुकूलन जो है वो ऐच्छिक और प्राकृतिक, जबकि परिवर्तन जो है ये प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन या सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन, इस दो उपभागों में बटा हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले अनुकूलन की बात करें तो मनुष्य के द्वारा वातावरण के प्रभाव के अनुसार स्वयं को समायोजित करने की क्रिया अनुकूलन है, यानी कि वातावरण के अनुसार स्वयं अनुकूलित हो जाना। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा भी बताया था, आंतरिक अनुकूलन और बाहरी अनुकूलन। तो आंतरिक अनुकूलन जो है उसमें मनुष्य वातावरण के अनुसार अपनी बोलचाल, खान पान, रहन सहन आदि के अनुसार वो अपने आप को बदलता है, जबकि बाहरी अनुकूलन में मनुष्य द्वारा दूसरे क्षेत्र में जाकर बसने पर वहां की वेशभूषा के अनुसार अपनी वेशभूषा बदलना शामिल है। अगर हम रूपांतरण या परिवर्तन की बात करें, मॉडिफिकेशन, तो इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य जो है वो कृत्रिम उपाय अपनाता है, उसे रूपांतरण करना पड़ता है। ये वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान द्वारा संभव होता है, जैसे शीतोष्ण जलवायु निवासी उष्ण जलवायु क्षेत्र में जाने पर प्रशीतक, एयर कंडीशनर आदि का प्रयोग करें। ठीक है, और समायोजन की प्रक्रिया जो है ये पृथ्वी की विभिन्न जलवायु प्रदेशों में चलती रहती है। जैसे टुंड्रा प्रदेशों में क्या होता है, शीत जलवायु से समायोजन हेतु जो वहां रहने वाले लोग होते हैं वो शिकार करते हैं, इग्लू में रहते हैं, सील मछली की चर्बी जलाकर मकान को गर्म करते हैं आदि। जबकि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जो पिग्मीज रहते हैं वो लोग अर्धनग्न रहते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान जो है वो बहुत अधिक होता है, नमी बहुत अधिक होती है, इसकी वजह से असहनीय सा मौसम रहता है, तो वो लोग अधिक वस्त्र नहीं पहनते हैं बल्कि अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वातावरण समायोजन का ये जो सिद्धांत है ये प्रादेशिक है। ये समायोजन प्रक्रिया हर क्षण चलती रहती है। वातावरण समायोजन में स्थानीय भिन्नता मिलती है, जिसका मुख्य कारण धरातलीय उच्चावच और जलवायु के अनुसार क्रियाशील मानव समूह है। इस प्रकार हमारे मानव भूगोल के जो सिद्धांत है ये पूरा होता है। टॉपिक अगर हम सारांश रूप में देखें तो मानव भूगोल में विभिन्न प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन करते समय तीन सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला परिवर्तन का सिद्धांत, दूसरा पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत, तीसरा वातावरण समायोजन का सिद्धांत। तो प्राकृतिक वातावरण के तत्व मनुष्य पर प्रभाव डालने के साथ साथ आपस में भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव वर्ग प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, इसीलिए वातावरण और मानवीय क्रियाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से संगठित रूप में अध्ययन की जानी चाहिए। इसके साथ हमारा मानव भूगोल के सिद्धांत टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।